बिसम अल्लाम स्टूडेंट्स अच्छा जी आज के लेक्चर में हम सिलबेस्टर थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे और एक एग्जांपल मैंने ली हुई है जिसके चार पार्ट्स हैं और कोशिश करेंगे कि इन चार पार्ट्स के ज़रिए हम सिलेबस्टर थ्योरम को समझ सकें ठीक है अच्छा जी सिलबेस्टर थ्योरम को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स हैं वो स्टेप्स करते हैं और अच्छा जी नंबर वन सबसे पहले आप ये काम करें कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालें ठीक है आइगन वैल्यूज ऑफ ए अच्छा आइगन वैल्यूज निकालते हुए हमें दो तीन चीजें और भी काम की मिल जाएंगी ठीक है तो ये इसमें फायदा हो जाएगा हमारा बहरहाल अच्छा जी Uh, क्या क्या निकालना है जी हमें आइगन वैल्यूज सबसे पहले निकालनी है तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारा जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस लेमडा आई ठीक है ना इसको हम लोग कहते थे अगर आप लोग रिकॉल करें करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं ठीक है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें ये ए है ए में से लेमडाई माइनस करना है अच्छा अगर आप लोगों को याद सॉरी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कह रहा हूँ ये करेक्टरिस्टिक पोरिनोमियल है ठीक है अच्छा जी तो ए माइनस लेमडाई कैसे फाइंड करते हैं ए माइनस लेमडाई इस तरह फाइंड करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है इसके डायागनल में से लेमडा माइनस करते हैं तो डायागनल में से मैंने लेमडा माइनस किया ये वन ये थ्री ये फोर माइनस लेमडा और इसका मैंने डिटर्मिनेट लेना है ठीक है अच्छा डिटर्मिनेंट लूँगा मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो ये आएगा एट माइनस टू लेमडा माइनस फोर लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस थ्री तो ये लेमडा स्क्वायर माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स लेमडा एट माइनस थ्री प्लस फाइव ठीक है इसेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अच्छा ये जो करैक्ट्रिस्टिक पोलिनोमियल है ना यहाँ पे आपने दो इजाफी काम करना है आइगन वैल्यूज़ निकालते हुए आप करेक्टरिस्टिक पोलिनियल निकालते हैं फिर इसको जीरो के बराबर लेते हैं और वहाँ से हम लेमडा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक एक्स्ट्रा काम जो आपने करना है वो क्या है वो मैं ये रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ठीक है ये काम आपने एक्स्ट्रा करना है ये सविस्टर थ्योरम के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ये जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया है ना ये इसको हम सपोज रिप्रेजेंट करते हैं इससे एफ ऑफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव ठीक है स्टूडेंट्स यानी मैंने इसको ये लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव को एफ ऑफ लेमडा कह दिया एक काम आपने ये करना दूसरा काम आपने ये करना है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ प्राइम लेमडा ठीक है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत सिंपल है टू लेमडा माइनस सिक्स ये आइगन वैल्यूज़ निकालते हुए आपने ये दो काम भी साथ में कर लेना है ठीक है इससे सिलवेस्टर थ्योरम के लिए ऐसा करेंगे आप अच्छा जी अब हमने निकाल लिए जनाब ये करेक्ट्रिस्टिक पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं थोड़ी चीज़ें रिकॉल भी कर लेते हैं इसको हम कहते थे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है और ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसे आपने भूलना नहीं है ठीक है जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव इसको आपने एफ ऑफ लेमडा कह दिया और फिर इसी का डेरिवेटिव ले लिया ठीक है और ये बस स्टोर कर लें आप जब हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे ये एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ठीक है ये करेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन जो है ये असल में क्वाडेटिक क्वेश्चन है ठीक है जिसको हम क्यू डॉट ई कहते हैं ठीक है क्वाडेटिक क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे अच्छा इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि जी हम क्या करने वाले ये मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ कि सिलेबिस्टर थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन आ गया ये स्टेप्स आपने लाजमी करना है इसीलिए मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं कि हमें सवाल में क्या करना है ठीक है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है आपने चाहे सवाल कुछ भी हो ठीक है करैक्ट्रिस्टिक सिलेबस्टर थ्योरम से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये स्टेप्स वो मैं कर रहा हूँ जो हर क्वेश्चन में आपने करने हैं फिर हर क्वेश्चन में जो जो चेंजिंग आएंगी ना फिर उस वक्त हम सवाल पड़ेंगे ठीक है तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे ठीक है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी यहाँ मैं लिख देता हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और अब हम इसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो लेमडा की एक वैल्यू आएगी फाइव और एक वैल्यू आएगी वन अच्छा लेमडा की कितनी वैल्यूज आएंगे दो एक का नाम हम रख देंगे लेमडा वन दूसरे का नाम हम रख देंगे लेमडा टू ठीक है ये वो काम है जो आपने हर क्वेश्चन में करना है जिसका ताल्लुक सिलेवेस्टर थ्योरम से हो ठीक है जी ये आपके पास हो काम हो गया अच्छा जी ये पहला स्टेप है तो पहला स्टेप क्या है जी कि आपने आइगन वैल्यूज ऑफ ए निकाल ली हैं और साथ में एफ ऑफ लेमडा और एफ प्राइम ऑफ लेमडा फाइंड करना है ठीक है अच्छा जी अब आपने क्या करना है अब आपने ये जो लेमडा की वैल्यूज है ना ये लेमडा की वैल्यूज ये आपने अच्छा इसको हमने एफ ऑफ लेमडा कह दिया एफ प्राइम ऑफ लेमडा ठीक है तो बहरहाल अब हम एक काम करते हैं करना हमें ये है कि सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप में आपने देखे ना ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकाला है अब आपने करना क्या है कि आपने ये एक मैट्रिक्स निकालना है बड़ा स्पेशल किस्म का मैट्रिक्स है जो आएगा लेमडा आई माइनस ए से ये मैट्रिक्स फाइंड करना है ठीक है ये एक मैट्रिक्स है ठीक है ये हमें फाइंड करना है तो लेमडा आई कितना होता है जी लेमडा आई होता है ये लेमडा आई कितना है वन ज़ीरो ज़ीरो वन माइनस ए ए कितना है जी ए गिवन है टू वन थ्री फोर हम एक नज़र ए को देख लेते हैं ठीक है टू वन थ्री फोर ठीक है ये ए अब आपने लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर देना ये हो जाएगा लेमडा ज़ीरो ज़ीरो लेमडा माइनस लेमडा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है यानी इस मैट्रिक्स से इससे नहीं होगा टू वन थ्री फोर अच्छा जी आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा लेमडा में से टू माइनस होगा ये आएगा लेमडा माइनस टू जीरो में से वन होगा तो ये आएगा माइनस वन जीरो में से थ्री होगा तो ये आएगा माइनस थ्री और लेमडा माइनस फोर यहाँ तक क्लियर है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं ये वो स्टेप्स हैं जो आपने सिलिवेस्टर थ्योरम के हर क्वेश्चन में करने हैं ठीक है, है? इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है ना सिलिवेस्टर थ्योरम आपको पता है आपको अभी जस्ट स्टेप्स पता है जब मैं सारे स्टेप्स लिख दूंगा फिर जब मैं सिलेबस्टर थ्योरम लिखूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना तो सबसे पहले हमने क्या मालूम किया आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मालूम किए हमने उसके लिए हमने ए माइनस लेमडा आई निकाला जिसको हम करेक्टरिस्ट उसका डिटर्मिनेट निकाला ए माइनस लेमडा आई का उसे हम करेक्टरिस्टिक पोिनोमियल कहते हैं ठीक है और ये निकाला करेक्टरिस्टिक पोनोमियल तो हमने साथ ही इस करेक्टरिस्टिक पोनोमियल को एफ ऑफ लेमडा कह दिया और फिर इसका हमने डेरीवेटिव ले लिया अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास करेक्टरिस्टिक uh, पॉलिनोमियल इसको जीरो के बराबर ले, ले लेते हैं और यहाँ से क्रेक, इस इक्वेशन को फिर हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक ठीक है और इसे हमने सॉल्व कर दिया सॉल्व करने के बाद लेमडा की दो वैल्यूज आ गई एक का नाम लेमडा एक का नाम लेमडा टू दूसरा स्टेप ये कि आपने हमेशा लेमडा माइनस ए निकालना होता है फिर मैं कह रहा हूँ ये हमेशा निकालना है आपने ठीक है लेमडा माइनस ए ये आपने फाइंड कर दिया अब आपने तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपने एडजोइंट निकालना है किसका का लेमडा आई माइनस ए का ये एडजॉइंट निकालना है ये हो गया आपका तीसरा स्टेप अच्छा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एडजॉइंट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है इस डायग्नल की टर्म्स को यहाँ ले आऊंगा मेन डायगनल की टर्म्स को इसको यहाँ ले आऊंगा और इन दोनों को साइन चेंज कर देते हैं ठीक है ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में होता है नाइन में होता है कहीं जी इसको इंटरचेंज कर देते हैं ठीक है ये हो जाएगा लेमडा माइनस फोर और ये लेमडा माइनस टू और बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे ठीक है ये माइनस वन है तो प्लस वन ये थ्री टू बाई टू में एड निकालना बहुत आसान होता है ठीक है अब चौथा स्टेप क्या होता है चौथा स्टेप चौथा स्टेप ये होता है कि एड ऑफ लेमडा आई माइनस ए इसको आपने डिवाइड करना है एफ प्राइम लेमडा से ठीक है तो ये आपने करना है और एफ प्राइम लेमडा कहाँ है ये एफ प्राइम लेमडा तो ये हमारा जी हो गया अगला स्टेप चौथा स्टेप तो निकालें जी एडजॉइंट ऑफ ए क्या है एड जॉइंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए क्या है ये रैमडा माइनस फोर वन थ्री लेमडा माइनस टू ठीक है और इसको हमने डिवाइड कर देना है किस से ये हमारा अगला स्टेप है ठीक है याद रखिएगा अच्छा ये लाइन जस्ट मैंने ऐसे ही अंडरलाइन करने के लिए लगाई है ये एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय एफ प्राइम ऑफ लेमडा एफ प्राइम ऑफ लेमडा ये टू लेमडा माइनस सिक्स टू लेमडा माइनस सिक्स अच्छा आप इसको देखें जरा अगर आप इसको देखना चाहें तो हम इसको थोड़ा मैं अगर इसको आप देखना चाहें ये ये आप इस पूरे को देखें ये ऊपर एट ऑफ क्या है ये आपका एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए है और नीचे क्या है एफ प्राइम ऑफ लेमडा अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखे हैं तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है लेमडा पे यानी अगर मैं लेमडा की वैल्यू टू पुट करूंगा तो नीचे वैल्यू चेंज हो जाएगी चेक करें फोर माइनस सिक्स माइनस टू आएगा लेमडा की वैल्यू फोर पुट करूँ फाइव पुट करूँ सिक्स पुट करूँ इन अगर मैं लेमडा की वैल्यू चेंज करता रहूँ तो इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी ठीक है लिहाजा हमने क्या किया इसका एक नाम रख दिया हमने कहा कि जी चूँकि ये लेमडा पर डिपेंड कर रहा है लिहाजा हमने क्या कर दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैंने इसे कह दिया जेड ऑफ लेमडा जेड इसका नाम है ठीक है इस एक्सप्रेशन का और ब्रैकेट में लेमडा लिखने का मतलब है कि ये लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये क्या बनेगा जी लेमडा माइनस फोर वन थ्री लेमडा माइनस टू ये मैट्रिक्स है और नीचे है टू लेमडा माइनस सिक्स तो अब हमने जेड ऑफ लेमडा भी निकाल लिया है ये इसको हम जेड ऑफ लेमडा कहेंगे ठीक है तो अगर कहीं पे जेड ऑफ लेमडा लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा Z ऑफ लेमडा का मतलब ये है एट ज्वाइंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए डिड बाई एफ प्राइम ऑफ ए और इसको हम कहते हैं z ऑफ लेमडा z इसका नाम है आपको z पसंद नहीं है y रख दें s रख दें ठीक है बहरहाल हमने इस वक्त इसका नाम z रख दिया z ऑफ लेमडा लिया ऑफ लेमडा क्यों लिखा क्यों lambda है क्योंकि अंदर लेमडा है ठीक है अच्छा जी ये चौथा स्टेप होता है ठीक है पाँचवा स्टेप करने से पहले ठीक है पाँचवा स्टेप करने से पहले जो जो चीज़ें हमने फाइंड की हुई है ना उसको जरा मैं लिख लेता हूँ ठीक है सबसे पहले तो देखें हमने एफ ऑफ लेमडा निकाला ये क्या आया था लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा प्लस फाइव जो जो चीज़ें हम निकाल चुके हैं उसको लिख लेते हैं फिर हमने एफ प्राइम ऑफ लेमडा निकाला ये क्या आया जी टू लेमडा माइनस सिक्स फिर हमने z ऑफ लेमडा निकाला ये क्या है जी z ऑफ लेमडा z ऑफ लेमडा आया हमारे पास लेमडा माइनस फोर वन थ्री लेमडा माइनस टू ये एक मैट्रिक्स है ठीक है और डिवाइडेड बाय टू लेमडा माइनस सिक्स ये वो चीजें हैं जिसकी हमें सेलेबिस्टर थ्योरम में, में ज़रूरत पड़ेगी ठीक हो गया अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के क्वेश्चन में करना क्या था ठीक है अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ ठीक है अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं क्वेश्चन ये है कि अगर ए की वैल्यू ये है टू वन थ्री फोर तो फाइंड करें क्या ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई ठीक है और ये लेकिन ये यूजिंग क्या करना है ये आपने यूजिंग एस टी ठीक है एस टी मीन्स सिलेबिस्टर थ्योरम ठीक है तो सिलिबिस्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए निकालना है अगर आप सिलिबिस्टर थ्योरम को यूज़ नहीं करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई ई एम वैसे भी निकाल सकते हैं ए स्क्वायर का क्या मतलब है ए को दो दफा दो मल्टीप्लाई कर दें जो भी रिजल्ट आ गया वो यहाँ पुट कर दें ए आपको दिया हुआ है आई पुट करें सिंपलीफाई करें आ जाएगा लेकिन ये हमने सिलिबिस्टर थ्योरम से करना है ठीक है एक तो ये करना है दूसरा ये करना है कि हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वन लेकिन अगर थीटा इन एंगल की जगह कोई मैट्रिक्स आ जाए जैसे यहाँ ए ए एक मैट्रिक्स है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन नहीं आएगा क्या आएगा हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए क्या चीज़ है ए ये मैट्रिक्स है ठीक है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और कोई मैट्रिक्स हो ए बी सी कोई भी प्लस साइन स्क्वायर इसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ये हमें प्रूफ करना है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और इस मैट्रिक्स के ऊपर ए की पावर टेन ए की पावर टेन का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को दस दफ़ा मल्टीप्लाई करना है ये सारा काम हमें किससे करना है याद रखिएगा सिलेबिस्टर थ्योरम से करना है अच्छा जी

पोलिनोमियल आया था इसका नाम हम रखते हैं एफ ऑफ लेमडा और इसका हम डेरीवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ लेमडा ठीक है उसके बाद हम ये करते हैं दूसरे स्टेप में कि लेमडा आई माइनस ए निकालते हैं ठीक है ए माइनस लेमडा आई नहीं लेमडा आई माइनस है ठीक है दूसरी ये निकाल लिया हमने फिर इसका एड निकालते हैं ठीक है इसका एड कैसे निकलता है डायोगनल के एलिमेंट्स ये लेमडा माइनस फोर ऊपर चला जाएगा लेमडा माइनस टू नीचे आ जाएगा माइनस वन और माइनस थ्री इनके साइन चेंज हो जाएंगे ये आएगा फिर इसी छोटा स्टेप ये होता है कि इस एडजोइंट को आप डिवाइड करते हैं एफ प्राइम लेमडा से ठीक है एफ प्राइम लेमडा आपने पिछले स्टेप में निकाला था ये जो वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है इसे हम कह देते हैं जेड ऑफ लेमडा ठीक है ये आपने हर क्वेश्चन में करने हैं ठीक है अच्छा ये चीज़ तो हो गई है क्लियर अब हमने लिखा था ये F of lambda, ये F of lambda और ये और अब आपको क्या फाइंड करना है गौर से सुनो ए स्क्वायर माइनस थ्री आई प्लस आई तो सिलिविस्टर थ्यूरम से जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी किस्म की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो आपको मालूम करना होता है जैसे ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई तो इसका नाम हम रखेंगे पी ए क्या नाम रखेंगे पी ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई ठीक है यानी मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा पी ऑफ ए किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई जो मुझे फाइंड करना है ठीक है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर है आई के मुझे ये प्रूफ करना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है इसका नाम मैं क्या रखूंगा पी ऑफ है मुझे यहाँ ए इनवर्स निकालना है तो इसका नाम क्या रखूंगा पी ऑफ है ए की पावर टेन निकालना है उसका नाम रखेंगे पी ऑफ है तो पी एफ ए का मतलब है जो आपने फाइंड करना है उसका नाम आपने पी ऑफ ए रखना है तो हमने क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई इसका नाम रख दिया पी ए अब सिलिवेस्टर थ्योरम क्या कहता है अकॉर्डिंग टू to... सिलिवेस्टर थ्योरम सिलिवेस्टर थ्योरम ये कहता है कि जो पी ऑफ ए होगा ना ये किसके बराबर होगा सिलिविस्टर थ्योरम क्या कहता है कहता है ये बराबर होगा पी ऑफ लेमडा वन जेड ऑफ लेमडा वन अच्छा लेमडा की कितनी वैल्यूज आई हैं लेमडा की वैल्यूज आई हैं टू तो ये चलेगा कहां तक टू तक देखें पहले क्या आएगा और से सुने पहले आएगा पी ऑफ लेमडा वन जेड ऑफ लेमडा वन प्लस पी ऑफ लेमडा टू और फिर जेड ऑफ लेमडा टू इसी तरह अगर एक और वैल्यू आई होती लेमडा की तो हम क्या लिखते हैं प्लस पी ऑफ लेमडा थ्री और जेड ऑफ लेमडा थ्री अगर एक और वैल्यू आई हुई होती तो हम क्या लिखते हैं प्लस पी ऑफ लेमडा फोर जेड ऑफ लेमडा फोर ठीक है Plus, four, four, लेकिन फिर वक्त चूंकि दो वैल्यूज हैं तो हम ये नहीं लेंगे ठीक है ये हमारे लिए है ही नहीं ये तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा था तो सिलिविस्टर थ्यूरम यह है अब आप देखें लेमडा वन क्या चीज है आपको पता होनी चाहिए आइगन वैल्यू जो आपने निकाली थी ये लेमडा वन आइगन वैल्यू लेमडा टू दूसरी आइगन वैल्यू लेमडा टू तीसरे आएगा। जेड क्या है जी जेड ये जेड है अच्छा याद रखें सिलिवेस्टर थ्योरम में जब आप z निकाल देते ना तो ये दो चीज़ें फिर हमारी काम की नहीं होती ठीक है ये आपने z निकाल दिया और ये p ऑफ है सिलिवेस्टर थ्योरम में ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ठीक है थीके? तो हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है z ऑफ लेमडा एंड p ऑफ a ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा जी तो ये सिलिबिस्टर थ्योरम है अब आपने क्या करना है करना आपने ये है कि सिलेविस्टर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको ये चीजें फाइंड करनी है एक पी ऑफ लेमडा वन फाइंड करना जेड ऑफ लेमडा वन फाइंड करना पी ऑफ लेमडा टू फाइंड करना और जेड ऑफ लेमडा टू फाइंड करना तो ये हम वन बाय वन करेंगे ठीक है तो पहले हम फाइंड करते हैं जी पी ऑफ लेमडा वन ठीक है तो p किसके बराबर है जी ये रहा p ऑफ है तो पी ऑफ ए बराबर है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई अब इस पी ऑफ ए में चूंकि हमें पी ऑफ लेमडा वन माइंड फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ भी ए आ रहा होगा वहाँ में लेमडा वन पुट कर दूंगा अब लेमडा वन क्या चीज़ है ये फाइव है लेमडा वन क्या है फाइव तो यहाँ मैं फाइव पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा जी P ऑफ फाइव इज इक्वल टू यानी जहाँ जहाँ भी ए आ रहा है वहाँ मैं भी फाइव फुट कर दूंगा क्यों क्योंकि लेमडा वन की वैल्यू फाइव है इसलिए ठीक है तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन और याद रखिएगा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं वन से ठीक है ये प्लस वन तो ये टोटल पी ऑफ फाइव कितना है जी पच्चीस में से पंद्रह गए ये दस दस और एक ग्यारह ये पी ऑफ फाइव आ गया तो पी ऑफ लेमडा वन आ गया जी ये चीज आ गई है ठीक है अब हम पी ऑफ लेमडा टू निकालेंगे पी ऑफ लेमडा टू कैसे आएगा तो पी है पी ऑफ ए कितना है चेक करें ये दिया। ये हमने निकाला था आप ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई ये पी ऑफ ए है ठीक है एस पी ऑफ ए में मैं ए की जगह अब लेमडा टू पुट करने वाला हूँ और लेमडा टू की वैल्यू कितनी है ये लेमडा टू की वैल्यू है ठीक है लेमडा टू की वैल्यू वन है तो यहाँ मैं वन पुट करने वाला हूँ तो ये बन जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री और आई की जगह वैसे ही हम वन लिखते हैं तो पी ऑफ वन क्या आ गया जी ये आ गया वन तो ये दोनों चीजें आ गई हैं अब हम मालूम करेंगे z ऑफ लेमडा वन तो पहले तो हम लिख देंगे z ऑफ लेमडा ठीक है z ऑफ लेमडा किसके बराबर है लेमडा माइनस फोर वन थ्री लेमडा माइनस टू ऊपर मैट्रिक्स है और नीचे है ये ये देखें ये जो मैंने ऑफ जगह क्या पुट करना है लेमडा वन और लेमडा टू लेमडा वन और वैल्यू हमें पता है लेमडा वन की वैल्यू फाइव है लेमडा टू की वैल्यू वन है तो पहले मैं मालूम करूंगा ठीक है z ऑफ फाइव फाइव पुट कर दूंगा यहाँ पे तो लेमडा माइनस फोर कितना हो जाएगा जी ये वन ये भी वन ये थ्री ये फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा ठीक है और इसको डिवाइड कौन कर रहा है टू लेमडा माइनस टू टू की लेमडा की जगह फाइव फाइव इंटू टू टेन टेन ये फोर हो जाएगा ठीक है तो जेड ऑफ फाइव कितना आ गया जी ये वन ओवर फोर और साथ में ये मैट्रिक्स वन वन थ्री थ्री अच्छा जी ये आ गया जेड ऑफ फाइव और ये फाइव क्या चीज़ है लेमडा वन अब हम निकालेंगे जेड ऑफ वन और ये वन क्या चीज़ है ये लेमडा टू है तो कैसे निकालेंगे तो जेड ऑफ वन कैसे निकालेंगे ये जेड ऑफ लेमडा है ये इसमें आपने पुट करना है ठीक है तो लेफ्ट की जगह हम वन पुट करेंगे तो क्या आएगा जी वन माइनस ये माइनस थ्री हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये थ्री और ये माइनस वन और नीचे पुट करेंगे हम वन तो टू माइनस फोर ये माइनस फोर हो जाएगा टू माइनस सिक्स माइनस फोर यह जेड ऑफ वन आ गया ठीक है तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिलिवेस्टर थ्यूरम का क्या तरीका है हमें निकालना था ए स्क्वायर माइनस थ्री आई थ्री ए प्लस आई इसका नाम हमने रख दिया पी ऑफ ए ठीक है सिलेबिस्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो पी ऑफ ए है ये बराबर होगा पी ऑफ लेमडा वन जेड ऑफ लेमडा वन फिर प्लस पी ऑफ लेमडा टू प्लस जेड ऑफ लेमडा टू तो अब पी में जहां जहां भी ए आ रहा है वहां मुझे लेमडा वन पुट करना है जेड में जहां जहां लेमडा आ रहा है वहां लेमडा वन पुट करना है पी में जहां जहां ए आ रहा है वहां लेमडा टू पुट करना है और फिर इसी तरह जेड में जहां जहां, जहां, जहां लेमडा आ रहा है वहां लेमडा टू पुट करना है ठीक है और लेमडा वन लेमडा टू की वैल्यू हमें पता है कि लेमडा वन की वैल्यू वन है फाइव है और लेमडा टू की वैल्यू ये देख लें ठीक है, है।, है तो हम यू कह सकते हैं कि सिलिविस्टर फ्यूरम को मैं दोबारा यू लिख सकता हूँ देर फोर पी ऑफ ए इज इक्वल टू मैं यू लिख सकता हूँ देखिये ना सिलिविस्टर फ्यूरम क्या कहता है कि आप क्या लिखें पी लिखें मगर ए की जगह लेमडा वन पुट करें फिर जेड लिखें मगर लेमडा वन पुट करें जेड में फिर प्लस पी की जगह लेमडा टू लिखें और जेड में लेमडा टू लिखें ठीक है तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए अब लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू हमें पता है लेमडा वन की वैल्यू कितनी है जी फाइफ ये जेड ऑफ फाइफ प्लस पी ये वन और ये जेड ऑफ वन तो ये पी ओ फाइव जेड ऑफ फाइव पी ओफ वन जेड ऑफ वन ये देखें उन्हें निकाल लिया पी ओ फाइव इलेवन है पी ऑफ वन वन है ठीक है और ये जेड ऑफ जेड ऑफ फाइव है ये रहा और ये आपका जेड ऑफ वन ठीक है तो ये मैं पुट कर देता हूँ आप पी ओ फाइव है इलेवन ठीक है और Z ऑफ फाइव जो आपके पास आया है वो आया है नीचे फोर है तो मैं यहीं लिख देता हूँ वन वन थ्री थ्री फिर प्लस P ऑफ वन की वैल्यू है आ, P ऑफ वन हमने निकाला था ये p ऑफ वन वन है ठीक है तो यहाँ मैं लिख दूँगा वन ये पी ऑफ वन माइनस वन होगा ठीक है क्योंकि वन और वन टू टू माइनस थ्री माइनस वन ये हो जाएगा जी माइनस वन और जेड ऑफ वन हमने ये निकाला ठीक है ये हम देंगे तो जेड ऑफ वन आ रहा है माइनस थ्री वन थ्री माइनस वन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है नीचे फोर भी है क्योंकि जेड ऑफ लेमडा वन में नीचे माइनस फोर है ये माइनस फोर तो फोर देखें नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है ये हम कॉमन ले लेंगे फोर इस एलेवन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये इलेवन एलेवन ये थर्टी थ्री ये थर्टी थ्री ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर है माइनस थ्री वन थ्री माइनस वन ठीक है और ये वन अपॉन फोर जो है ये सब के साथ है क्योंकि हमने कॉमन निकाला है तो अंदर अब आप जरा सिंप्लीफाई करें देखिए क्या आता है ये इलेवन एलेवन में से थ्री गए तो ये क्या बचा एट एलेवन में से वन गए एलेवन सॉरी प्लस वन ये ट्वेल्व हो जाएगा तैंतीस और तीन ये छत्तीस हो जाएंगे तैंतीस और ये बत्तीस हो जाएंगे ठीक है अब P ऑफ a देखिए मैंने आपको बताया था ना सिलिबिस्टर थ्योरम में P ऑफ a क्या होता है जो आपने फाइंड करना है या जो आपने प्रूफ करना है तो हमें क्वेश्चन में शुरू में देखें हमें क्या करना था ए स्क्वायर माइनस थ्री आई प्लस ए और इसी ए स्क्वायर माइनस थ्री आई थ्री ए प्लस आई को हमने पी ऑफ ए के लिए तो ये पी ऑफ ए में दोबारा पी ऑफ ए की जगह में जो मैं ये लिख दूंगा क्योंकि इसी को हमने पी ऑफ ए कहा था इज इक्वल टू अंदर ये वन अपॉन फोर सबके साथ आ जाएगा तो ये सबको डिवाइड करेगा क्या बनेगा जी बताएं ये बनेगा टू थ्री नाइन और ये एट तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया ठीक है अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं अच्छा दूसरा पार्ट क्या है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है दूसरा पार्ट ये कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू तो वो आई ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैंने आपको क्या कहा था कि सिलिबेस्टर थ्योरम से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको प्रूफ करना है या जो आपको फाइंड करना है इसको हम क्या कहेंगे पी ऑफ ए तो इस पार्ट में हेयर पी ऑफ ए यहां पे कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जैसे ही आप पी ऑफ ए लिखेंगे उसके बाद आप सिलिवेस्टर थ्योरम लगाएंगे यूजिंग सिलिवेस्टर थ्योरम सिलिवेस्टर थ्यूरम क्या कहता है सिंपल है जी कि ये जो पी ऑफ ए है ये पी ऑफ ए ये किसके बराबर होगा पी ऑफ लैमडा वन जेड ऑफ लेमडा वन प्लस पी ऑफ लेमडा टू जेड ऑफ लेमडा टू आप लेमडा वन लेमडा टू की वैल्यू अपोट कर दें पी ऑफ लेमडा वन लेमडा वन कितना फाइव जेड ऑफ फाइव प्लस पी वन जेड ऑफ वन अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा ये जो z ऑफ z की वैल्यूज़ होती है ना ये चेंज नहीं होती है हमारी p की वैल्यूज़ चेंज हो जाती है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखें पहले पार्ट में पहले पार्ट में आपका p ऑफ a क्या था ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस आई तो आपने जब p ऑफ फाइव निकाला और p ऑफ वन निकाला उनकी वैल्यूज ये आ गई लेकिन हमारे इस सेकंड पार्ट के अंदर हमारा p ऑफ a चेंज हो गया है पी ऑफ ए अब हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर है तो अब जब साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए हो गया है तो अब इसका मतलब है कि पी ऑफ फाइव और पी ऑफ वन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और जेड ऑफ फाइफ और जेड और वन की वैल्यू चेंज नहीं होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की है ये देखें ये जेड ऑफ फाइफ है मैं यही यूज़ करूंगा जेड ऑफ फाइव और यही जेड ऑफ़ वन यूज़ करूँगा तो ये बातें आप नोट करें सिलेबेस्टर थ्योरम में जेड की वैल्यूज चेंज नहीं होती ठीक है और p की वैल्यूज चेंज हो रही होती है और p की वैल्यूज इसलिए चेंज हो रही होती है कि p ऑफ a चेंज हो रहा होता है हर क्वेश्चन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है ठीक है तो अब मैं निकालूंगा जनाब p ऑफ वट सबसे पहले निकालेंगे p ऑफ फाइव तो p ऑफ फाइव कहाँ से आएगा यहीं से आएगा p ऑफ a से ये a है इस p ऑफ a है इसमें आपने ऑफ फाइव पुट करना यानी जहां जहां ए है वहां फाइव पुट कर दे साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव तो आपने पढ़ा है इंटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा कितना होता है वन अब थीटा की जगह क्या आ गया फाइव कोई भी नंबर आ सकता है ठीक है तो पी ऑफ़ फाइव कितना आ गया वन पी ऑफ फाइव भी आ गया अब हम निकालेंगे पी ऑफ वन पी ऑफ वन कैसे निकलेगा पी में पी जहाँ आपने लिखा हुआ है उसमें जहाँ जहाँ भी ए आ रहे हैं वहाँ वन पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वन प्लस कॉस स्क्वायर वन तो फार्मूला हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता तो ये पी ऑफ वन भी क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो हर सवाल में किस चीज़ की वैल्यू चेंज होगी पी की बाकी चेंज नहीं होगी ठीक है अब ये हो गया अब इसको हम इस रेजिस्टर थ्योरम में पुट करेंगे जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली हैं देखें पी ऑफ फाइव हमारे पास ये रहा पी ऑफ वन ये रहा जेड ऑफ फाइव जेड ऑफ वन हम पिछले पार्ट में निकाल चुके थे पी ऑफ ए मेरे पास ये रहा साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर ठीक है तब मैं क्या करूंगा करूँगा मैं ये कि ये पी ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख दूँगा पी ऑफ ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है क्योंकि ये हमने फर्श किया था इस पी ऑफ ए की जगह पी ओ फाइव कितना आया हुआ है वन पी ओ फाइव ठीक है और जेड ऑफ फाइव हमारे पास आया था पिछले क्वेश्चन में वन ओवर फोर और वन वन थ्री थ्री पी ओ फाइव आ गया पी ओ जेड ऑफ फाइव अब प्लस तो ये प्लस पी ऑफ वन पी ऑफ वन अभी हमने निकाला ये आया वन और Z ऑफ वन हमने पिछले आ, पार्ट में निकाला था तो वो आया था माइनस थ्री वन थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस फोर तो क्या आया जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू इन दोनों में फोर कॉमन है फोर को बाहर निकाल दें वन ओवर फोर को क्या रह जाएगा जी इस ब्रैकेट में वन वन थ्री थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री वन थ्री माइनस वन अब इसको सिंप्लीफाई करें जी दो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है सब करना है वन में से माइनस करेंगे माइनस थ्री तो असल में प्लस हो जाएगा ये फोर वन माइनस वन ये जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो थ्री में से माइनस करेंगे माइनस वन तो ये ऐड हो जाएंगे फोर ये वन अपॉन फोर अंदर जाएगा सबको डिवाइड करेगा जीरो को डिवाइड करेगा तो ज़ीरो फोर को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा जी वन वन तो ये देखें आपके पास क्या प्रूफ हो गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर आएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन और ये क्या चीज़ है वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है अच्छा जी ये तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया अब जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको हिंट्स दे देता हूं बाकी वो आपने खुद करना है ठीक है तो थर्ड पार्ट देखें, आपने क्या करना है थर्ड पार्ट में आपने ए इनवर्स फाइंड करना है ठीक है तो आपने ए इनवर्स फाइंड करना है मैंने आपको क्या बताया था ये थर्ड पार्ट है जो आपको फाइंड करना होता है जो भी आपको फाइंड प्रूफ करना होता है सिलिवेस्टर थ्योरम में हम उसे क्या कहते हैं पी तो पी ऑफ ए अब क्या हो जाएगा ए इनवर्स ठीक है और सिलिवेस्टर थ्योरम क्या कहता है एस टी के पी ऑफ ए किसके बराबर होगा पी ऑफ ए बराबर होगा पी ऑफ लेमडा वन मल्टीप्लाई बाय जेड लेमडा वन फिर प्लस पी ऑफ लेमडा टू जेड ऑफ़ लेमडा टू अब इसमें लेमडा की वैल्यूज़ पुट कर दें जो आपने निकाली हुई हैं लेमडा की वैल्यू आई थी लेमडा वन फाइव था जेड फाइव फिर पी लेमडा टू क्या था वन जेड लेमडा टू क्या है वन अब आप देखें कि मैं पिछले भी बताया आपको कि ये जो जेड ऑफ फाइव है ना इसको कुछ नहीं होने वाला ये जो जेड ऑफ फाइव है ये वही पुरानी वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि जेड हमारा चेंज नहीं होता ये और ये चेंज नहीं होंगे जो आपने एक दफ़ा निकाल लिए हैं वही यूज़ होंगे चेंज होने वाले कौन कौन से हैं ये जी ये ये चेंज होगा और ये चेंज होगा और इसकी वजह क्या है कि ये दोनों चेंज होंगे क्योंकि आपका पी ऑफ ए चेंज हो गया है अब ज़रा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ देखिए पी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या आएगी इस पी ऑफ फाइव की पी ऑफ फाइव का क्या मतलब है कि पी ऑफ ए ये पी ऑफ ए है इसमें ए की जगह फाइव पुट कर दें तो यहाँ मैं फाइव पुट कर देता हूँ यहाँ आ जाएगा फाइव इसके ऊपर पावर माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअली पी ऑफ फाइव इज इक्वल टू वन ओवर फाइव इसी तरह पी ऑफ वन निकालेंगे तो पी ए रहा पी को तलाश करें उसमें वन पुट करें जहाँ जहाँ भी ए आ रहा है तो हो जाएगा वन की पावर माइनस वन और वन की पावर माइनस वन क्या होता है जी वन होता तो अब आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास क्या क्या मौजूद है ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ये हमारे पास है ये हमारे पास है और ये पी ओ फाइव ये जी पी ओ फाइव भी आ गया पी ऑफ वन भी आ गया तो यहाँ मैं पी ओफ फाइव पुट करूँगा पी ऑफ वन भी पुट करूंगा जेड ऑफ फाइव भी जेड ऑफ वन भी इनको ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ए और पी ऑफ ए क्या चीज़ें असल में ए इनवर्स तो लास्ट में जब बिल्कुल क्वेश्चन आप इसके राइट हैंड साइड को सिलेबस्टर थ्योरम के राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो पी ऑफ ए आपने यहाँ लेट किया हुआ है ठीक है ये आपने लेट किया हुआ है ए इनवर्स को ठीक है तो ए आखिर में आप पी ऑफ ए की जगह ए इनवर्स लिख देंगे ठीक है और ये भी निकालेंगे ये भी ये भी ये भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे ठीक है और मुझे बताएंगे जी कि, कि क्या आंसर आया ठीक है, है अच्छा जी ये तीसरा पार्ट है चौथे पार्ट में हमें क्या करना है चौथे पार्ट में देखें हमें करना है कि हमें ए की पावर टेन फाइंड करना है ठीक है तो आगा। आगा। हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम करेंगे ये कि इसमें हम लेट करेंगे चौथे पार्ट में कि जो ए की पावर टेन है ना इसको हम क्या कह देंगे पी ऑफ ए इस तरह से और फिर इस पर सिलिविस्टर थ्योरम लगाएंगे तो पी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू सिलिविस्टर थ्योरम क्या होगा तो होगा ये पी ऑफ है क्या होगा जी पी ऑफ लेमडा वन जेड ऑफ लेमडा वन फिर प्लस पी ऑफ लेमडा टू और फिर जेड ऑफ लेमडा टू और फिर मैं बता चुका हूं ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये चीजें चेंज नहीं होने वाली उसकी बुनियादी रीजन ये है कि z एक की दफ़ा हम फाइंड करते हैं और z फिक्स होता है ठीक है किसी भी क्वेश्चन के अंदर फिक्स होता है लेकिन p हर क्वेश्चन में यानी अगर एक की क्वेश्चन दिया और उसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो ये जो है ये p जो है ये आपका चेंज होता रहेगा ठीक है बहरहाल तो अब हम क्या निकालेंगे जी p ऑफ लेमडा वन अच्छा p ऑफ a की जगह मैं लिख दूँगा a की पावर टेन इज इक्वल टू लेमडा वन कितना है जी फाइव यहाँ फाइव z फाइव लेमडा टू के आई जी वन पी ऑफ वन और z ए वन तो ये a की पावर टेन कितना आ जाएगा p of फाइव p of फाइव का मतलब है कि इसमें जहाँ जहाँ भी a आ रहा है वहाँ फाइव पुट करें तो ये क्या हो जाएगी फाइव के ऊपर पावर टेन z ऑफ फाइफ आप पहले ही निकाल चुके हैं वो आप पी ऑफ वन का क्या मतलब है पी ऑफ वन का मतलब ये है कि पी में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वन पुट कर दें तो यहाँ मैं पी ऑफ वन पुट करूँगा तो क्या आएगा ए की जगह वन पुट करूँगा वन की पावर टेन क्या होता है वन तो ये वन हो जाएगा तो ये मैं लिख दूँगा वन जेड ऑफ वन ये जेड ऑफ वन और जेड ऑफ़ फाइव ये दोनों में आपको मालूम करके दे चुका हूँ ठीक है बस आपने क्या करना है z ऑफ़ वन की भी वैल्यू पुट करनी है z ऑफ़ फ़ाइव की भी पुट करनी है इसको ऐड कर देना है ये ए की पावर टेन आ जाएगा ठीक है तो ये आपने मुझे बताना है कि ए की पावर टेन फाइंड करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा ठीक है तो ये सिलेबेस्टर थ्योरम था और इस तरह से सिलेबस्टर थ्योरम का ये एंड हो गया ठीक है और मुझे बताइएगा कि सिलेबस्टर थ्योरम में कोई मसाइल है मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करने वाला हूँ एल एम एस पर तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा अगर फिर भी कोई इशू है तो इस पर मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप कर दें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक है रोज़े चल रहे हैं तो दिन को सही रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपने व्हाट्सएप करके जो भी आपका क्वेश्चन है उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज